Are you confused? How to prepare in UPSC? What can be the approach? So, don't get confused. We are here to help you. UPSC Umbrella. चलिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में पहला है टॉपिक एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में देखिए, न्यू टारगेट फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। न्यू टारगेट क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो क्या है, टारगेट है 20-30% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर में। पार्टिकुलेट मैटर क्या है, एयर पॉल्यूशन में जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है, PM10 एंड PM2.5। ये दो याद रखने का, PM10 और PM2.5 हम कवर करते हैं किसमें, पार्टिकुलेट मैटर में। वो क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का बेस है ये। प्राण क्या है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेंडमेंट सिटीज, पोर्टल मॉनिटर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCAP। NCAP के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये पोर्टल बनाया गया है, NCAP का मॉनिटरिंग करेगा ये पोर्टल। कौन सा, प्राण, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेंडमेंट। प्राण, आपके प्राण कैसे जाएगा, प्राण किसके कारण है, एयर के कारण आपके प्राण है भाई, हवा चली गई तो मर जाओगे। तो याद रखो, प्राण है ना किससे है भाई, एयर से है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अंडर NCAP के अंडर में ये प्रोग्राम है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। सिटीज कैरेक्टराइज इनटू थ्री बेस्ड ऑन थ्री ग्रुप में सिटीज को कैरेक्टराइज किया जाता है पॉपुलेशन के आधार पर, ठीक है। और थ्री बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज इन ईच ग्रुप विल बी गिवन कैश अवार्ड, जो भी एनवायरमेंटल सेक्टर के मिले, मतलब स्वच्छ वायु के एयर को क्लीन करने के लिए सेक्टर में जो भी सबसे अच्छा काम करेगा उसको अवार्ड दिए जाएंगे, कैश अवार्ड दिए जाएंगे। याद रखना, स्टेटमेंट आ सकता है कैश में अवार्ड दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण NCAP के अंडर में है। नेक्स्ट है नॉम फॉर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के लिए नॉम है। अभी नॉम क्या है, किस तरह से नॉम बनाया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि नॉम नहीं पूछे जाएंगे तुम्हें। चलो, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जो है वो क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अभी देखिए, कमीशन है किसके लिए, एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। तो देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है, फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 2020 थ्रू एन ऑर्डिनेंस के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑर्डिनेंस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, हेडेड बाय चेयरपर्सन विद एटलीस्ट 50 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन और 25 ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और 15 साल का एनवायरमेंटल फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस, उसको हेडेड बाय चेयरमैन वो बनेगा। अपील फॉर CAQM ऑर्डर डायरेक्शन एक्सेट्रा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। मतलब कि मान लीजिए कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आपको किसी चीज में दोषी पाया और आपको अपील करनी है, तो आप कहां पर अपील करोगे भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। फंक्शन क्या है CAQM का, मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन NCR, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना NCR रीजन में और प्रिवेंट करना, कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करना, ठीक है। अभी जो जो चीजें मैंने ये स्टार की हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पीडीएफ अगर आप पढ़ते हो मैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के बाद, तो ये जो भी चीजें स्टार की हुई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रट्टा लगा लेना है, मतलब प्रॉपर। ये जो बायो वर्ड वाले जितने भी कीवर्ड होते हैं बायो वर्ड वाले, वो सबसे ज्यादा यूपीएससी पूछता है हर साल। अभी बायो डीकम्पोजर, बायो डीकम्पोजर क्या है, स्प्रेड बायो डीकम्पोजर ऑन फील्ड ऑफ कर्ब स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग को कम करने के लिए, स्टेबल बर्निंग को कम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, बायो डीकम्पोजर फील्ड पर कर दिए, क्या किया, स्प्रे किए। डीकम्पोजर क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, किसको डीकम्पोज करेंगे, स्टेबल बर्निंग का जो वेस्ट है उसको, ठीक है। एयर क्वालिटी WHO एयर क्वालिटी डेटाबेस, इसमें क्या है, इसमें इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM10 2.5, हमें पता है PM10 एंड PM2.5। कॉमन एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से है, कॉमन एयर पॉल्यूटेंट, एक तो पीएम पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, याद रखना कॉमन, ये सब एयर पॉल्यूटेंट है। कौन कौन से, पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। अदर इनिशिएटिव टू टैकल एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए अदर इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट लाई थी भारत स्टेज 6 नॉर्म आने वाले हैं, BS नॉर्म्स, रेगुलेट आउटपुट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट फ्रॉम इंटरनल कम्बशन इंजन इक्विपमेंट। हमें पता है BS6 तो अभी सब लोग ही जानते हैं कि भाई इंजन में से जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसमें से लिमिट करने का, कि भाई यह गैस नहीं आना चाहिए, उस गैस को लिमिट करने का, बेस्ड ऑन यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड पे BS है, ये याद रखना। भारत 6 नॉर्म किस पे स्टैंडर्ड पे सेट है, यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड पे। टाइमलाइन एंड स्टैंडर्ड टू बी फॉलो बाय ऑटोमेकर सेट बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको सेट कौन करेगा, टारगेट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। टाइम स्टेज फॉर एमिशन नॉर्म, ये जो भारत स्टेज फॉर एमिशन 6 एमिशन नॉर्म है वो किसके लिए है भाई, व्हीकल के लिए, ठीक है। और ट्रेम स्टेज फॉर एमिशन वीक किसके लिए, ट्रेम स्टेज फॉर एमिशन नॉर्म पर फार्म इक्विपमेंट, फार्म में जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके लिए क्या है, ट्रेम स्टेज फॉर, इसमें स्टेज फॉर है, उसमें 6 है। एप्लीकेबल टू ट्रैक्टर विद इंजन बिगर देन 50 हॉर्स पावर, से ज्यादा इंजन जिसका होगा उसके लिए एप्लीकेबल है। लेस देन 50 हॉर्स पावर विल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय ट्रेम 3 नॉर्म, 50 एचपी से कम होगा इंजन जिसका वो ट्रेम 3 नॉर्म से कवर होगा। भारत स्टेज वर्सेस भारत स्टेज 5 स्टैंडर्ड, ठीक है, अप्लाई होंगे। अभी देखिए, पैलेटाइजेशन एंड टोरीफैक्शन, पैलेटाइजेशन एंड टोरीफैक्शन क्या है, तो कि भाई फॉर प्रमोटिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेडिस्ट्रो बेस्ड पैलेटाइजेशन एंड टोरीफैक्शन प्लांट, फॉर प्रमोटिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेडिस्ट्रो बेस्ड पैलेटाइजेशन एंड टोरीफैक्शन प्लांट को एस्टैब्लिश करना। क्या है अभी पैलेटाइजेशन प्लांट, इन्वॉल्व श्रेडिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग एंड पैलेट मेकिंग। पैलेटाइजेशन में क्या होगा, श्रेडिंग होगा, ड्राइंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, पैलेट मेकिंग होगा। टोरीफैक्शन में क्या होगा, थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक बायोमास, ऑर्गेनिक बायोमास जो बचता है उसका क्या करेंगे, थर्मल डिग्रेडेशन करके। अभी सबसे ज्यादा क्या इश्यू आ रहा है, पेडिस्ट्रो जो है उसके कारण स्टबल बर्निंग नहीं, स्टबल बर्निंग हो रहा है उसके कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, तो उसका थर्मल डिग्रेडेशन करेंगे ऑर्गेनिक बायोमास का जो है उसको क्या बोलेंगे, टोरीफैक्शन। जैसे क्या होगा, वहां पर हम देख रहे हैं अभी पंजाब और हरियाणा विस्तार में जब से ज्यादा ये बायोमास, ऑर्गेनिक बायोमास प्लांट इंस्टॉल किया जा रहे हैं और उसमें
थर्मल डिग्रेडेशन किया जा रहा है इसका, स्टबल बर्निंग का जो भी रेजिड्यू बचता है उसका। यूज ऑफ पेरिस्टो मेड इनटू पैलेट और टोरीफाइड, पेरिस्टो का यूज करने का पैलेट और टोरीफाइड में, ठीक है। ग्रीन क्रैकर, ग्रीन क्रैकर क्या है, कॉस 30% ऑफ लेस एयर पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वन, ट्रेडिशनल वन से 30% ऑफ लेस पॉल्यूशन करेगा एयर पॉल्यूशन ग्रीन क्रैकर। रेड्यूस एमिशन करेगा, एब्जॉर्ब डस्ट करेगा, डोंट कंटेन हैजार्डियस एलिमेंट लाइक बेरियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड हैजार्डियस एलिमेंट इसमें नहीं होगा। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स अप्रूव बाय काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ग्रीन क्रैकर बनाने के लिए लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा, CSIR, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टास्क विद सर्टिफाइंग दैट क्रैकर आर मेड विदाउट आर्सेनिक मर्क्यूरी एंड बेरियम एंड आर नॉट अलाउड बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। इट मींस कि भाई आप नए फैक्ट्री बनाने जा रहे हो ग्रीन क्रैकर के रिगार्डिंग, तो आपको लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा, CSIR। पर आपने फैक्ट्री बना दी, आप अभी क्रैकर बना रहे हो, तो वो क्रैकर को चेक कौन करेगा, पेसो चेक करेगा कि भाई आपने कुछ मटेरियल यूज तो नहीं किया, मर्क्यूरी यूज नहीं किया, ठीक है। थ्री कैटेगरी है ग्रीन क्रैकर की, स्वास, स्टार और सफल। कौन सी है, स्वास, स्टार और सफल, बहुत बढ़िया कैटेगरी है अभी। सेफ वाटर रिलीजर है ये, स्वास है वो सेफ वाटर रिलीजर है, स्टार जो है वो स्टार थर्माइट क्रैकर है, सफल जो है वो सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम है, ठीक है। ब्रीथ लाइफ कैंपेन, ब्रीथ लाइफ कैंपेन क्या है, मोबिलाइज सिटीज एंड इंडिविजुअल टू टेक एक्शन टू ब्रिंग एयर पॉल्यूशन टू सेफ लेवल बाय 2030। एयर पॉल्यूशन को सेफ लेवल तक लाने के लिए सिटीज को मोबिलाइज करना और इंडिविजुअल को भी इकट्ठा करना टू प्रोटेक्ट अवर हेल्थ एंड क्लाइमेट। इसके लिए क्या है, ब्रीथ लाइफ कैंपेन लेड कौन कर रहा है, WHO, UNEP एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन। सेवरल मेंबर सिटीज फ्रॉम इंडिया में से कौन कौन है, बेंगलोर, भुवनेश्वर, देहरादून एक्सेट्रा, अलग अलग सिटी को कंबाइन करके किया गया है। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। वाटर पॉल्यूशन के रिलेटेड क्या है, यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022 ऑर्गेनाइज हो चुकी है, यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर पर 2022 में। अभी क्या है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यूएन वाटर फॉर ऑल फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड मैटर। यूएन वाटर जो यूनाइटेड नेशन वाटर वो क्या है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है ऑल फ्रेश वाटर जितना भी है उसके लिए, प्लस सैनिटेशन मतलब क्या स्वच्छता में टॉयलेट वॉयलेट में जो भी मैटर है सैनिटेशन की स्वच्छता के रिगार्डिंग उसके अंदर। IGRAC क्या है, यूनेस्को सेंटर है IGRAC, कहाँ पर है, इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर, IGRAC का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर यूनेस्को सेंटर है, वर्क अंडर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल WMO के अंडर में वर्क कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय नेदरलैंड इसको सपोर्ट कर रहा है। स्पेशलाइज इन रीजनल एंड ट्रांसबाउंडरी लेवल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इसकी कौन सी है, ग्लोबल ग्राउंड वाटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल ग्राउंड वाटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसकी एक प्रोडक्ट है, सबसे बढ़िया फ्लैगशिप प्रोडक्ट, मतलब ताम जाम खतरनाक प्रोडक्ट होती है उसको फ्लैगशिप प्रोडक्ट बोलते हैं, ग्लोबल ग्राउंड वाटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसके द्वारा हम ग्राउंड वाटर का मेजरमेंट कर सकते हैं कितना ग्राउंड वाटर है नहीं है, ठीक है। अभी देखिए ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल कैंपेन चलाया गया था किसके द्वारा, भी यूनाइटेड नेशन वाटर समिट एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर, वाटर स्टोर इन रॉक एंड सॉइल 90% ऑफ लिक्विड फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। ग्राउंड वाटर में से कौन कौन सा आएगा, जो वाटर स्टोर है रॉक में और सॉइल में वो वाटर, प्लस 99% ऑफ लिक्विड फ्रेश वाटर ऑन अर्थ वो सब किसमें आएगा, ग्राउंड वाटर में। इंडिया इज लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर, इंडिया सबसे ज्यादा यूजर है ग्राउंड वाटर का, फर्स्ट नंबर का यूजर याद रखना। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज हैज इंक्रीज, रेनफॉल कंट्रीब्यूटर नियरली 61% इन दिस, इंडिया के अंदर टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो इंक्रीज किया है। ग्राउंड वाटर वॉज एक्सट्रेक्टेड फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रेक्ट किया जाता है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रेक्शन इज वेरी हाई, हाई कहाँ पर है, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में सबसे ज्यादा है। अभी नेक्स्ट है वाटर कन्वेंशन, वाटर कन्वेंशन में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक तो SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है, SDG 6 किसके लिए है, अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कॉमनली इंक्लूड वाटर ऑफ इन्फीरियर और मार्जिनल क्वालिटी लाइक सलाइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, एग्रीकल्चर ड्रेनेज वाटर, ट्रीटेड और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इन एफ्लुएंट एक्सेट्रा। ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज है जो रेगुलरली हम प्रैक्टिस में नहीं ले सकते, जैसे कि सलाइन वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, एग्रीकल्चरल ड्रेनेज वाटर है, ट्रीटेड और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, एफ्लुएंट्स है वो सब। अभी इसमें ना ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ग्रे वाटर में से पूछा जा सकता है ग्रे वाटर क्या है। ग्रे वाटर इज अ वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथ, शावर, हैंड बेसिन, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर एंड किचन सिंक, एक्सक्लूड स्ट्रीम फ्रॉम टॉयलेट। ग्रे वाटर में देखिए आपके घर में जितना भी सब कुछ यूज होता है, चीजें आप नहाने जाते हो, शावर करते हो, सब आ गया, बाथ में जो भी यूज होता है, हैंड बेसिन में जो भी यूज करते हो, वॉशिंग मशीन में यूज करते हो, डिश वॉशर में यूज करते हो, किचन में जो भी पानी यूज करते हो, वो जो वेस्ट निकलता है वो सब ग्रे वाटर में कवर होगा, सिर्फ टॉयलेट की जो स्ट्रीम निकलती है टॉयलेट में से वो वेस्ट वाटर ग्रे वाटर में कवर नहीं होगा। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, रिड्यूस द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर की डिमांड रिड्यूस की जा सकती है, रिलायबल वाटर रिसोर्स है, गुड फर्टिलाइजर सोर्स है, हाई नाइट्रोजन फॉस्फोरिक कंटेंट होगा इसमें तो फर्टिलाइजर सोर्स अच्छा है, ठीक है। अब है हैवी मेटल कंटेमिनेशन, हैवी मेटल कंटेमिनेशन किसमें, वाटर में, वाटर में अभी हम देख रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा मेटल कंटेमिनेशन आ रहा है जिसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है लोगों को, ठीक है। तो अदर कॉमन वाटर कंटेमिनेंट एंड द इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट है, आर्सेनिक, ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज किससे होता है, आर्सेनिक से, डिजीज पूछे जाते हैं याद रखना, ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक से होता है। फ्लोराइड, स्केलेटल फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस फ्लोराइड से होगा। मैंगनीज से क्या होता है, इंपैक्ट द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसको हर्ट करेगा। यूरेनियम, केमिकल डैमेज टू द किडनी इंक्रीज द बोन कैंसर रिस्क, वो सब यूरेनियम से होगा। नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बार एग्जाम में पूछा गया किससे होता है, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। सेवन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर अंडर थ्रेट,
आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये सब अंडर थ्रेट है। हैवी मेटल में क्या क्या है? हैवी मेटल क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। हैवी मेटल नेचुरली अकर होते हैं। हाई एटॉमिक, जिसका हाई एटॉमिक वेट होती है, डेंसिटी एटलीस्ट 5 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से ज्यादा डेंसिटी होती है तभी वो वाटर में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेड, आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम और कॉपर, ये सब क्या है? एग्जांपल है हैवी मेटल का। लेड, आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम एंड कॉपर, इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल एक्सपोजर, ये याद रखना। इसमें से आ सकता है इनमें से कौन सा हैवी मेटल नहीं है, अगर हैवी मेटल है तो ये सब याद होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल एक्सपोजर, हैवी मेटल से क्या होगा? हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा, अफेक्ट बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट और प्लांट, इन्फ्लुएंसेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी डिस्टर्ब फोटोसिंथेसिस को, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, लीड पॉइजनिंग, लीड होता है वो हमें पता है कि लीड एक क्या मेटल है, ये रहा देखो हैवी मेटल। लीड से क्या होता है? हाईएस्ट एवरेज ब्लड एंड लेवल, लीड लेवल्स, हाईएस्ट एवरेज ब्लड लीड लेवल्स। सोर्सेस क्या है लीड के? नेचुरली फाउंड इन अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, माइनिंग, स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज एंड देयर वेस्ट, इंडस्ट्री और उसके वेस्ट में मिलता है, माइनिंग करने से मिलता है लीड। नेक्स्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका यूज होता है, प्रेजेंट इन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड बैटरीज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और बैटरीज में इसका यूज होता है, पॉटरीज में, यूटेंसिल्स, ग्लेज्ड सिरेमिक वेयर्स, वाटर बॉडीज में इसका यूज होता है, किसका? लीड का। पर एंड पॉली फ्लोरो एल्किल सब्सटेंसेस, PFAS, PFAS क्या है? रेन वाटर अराउंड द वर्ल्ड इज कंटेमिनेटेड बाई PFAS, PFAS, PFAS एक्चुअली है क्या? केमिकल विद पार्शियली और कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड कार्बन चेन। PFAS एक केमिकल है जो पार्शियली और कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड है, किससे? कार्बन चेन से। रिफर्ड एज फॉरएवर केमिकल, फॉरएवर केमिकल से भी जाना जाता है, डू नॉट डिग्रेडेबल इजीली इन द एनवायरमेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरिन बॉन्ड। PFAS लाइक पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड POOS एंड पर फ्लोरो ऑक्टेनिक एसिड POAF, PFOA लिस्टेड अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिस्टेड है। क्या लिस्टेड है? PFAS भी लिस्टेड है स्टॉकहोम में, PFOS भी है, PFOA भी लिस्टेड है, तीनों लिस्टेड है, याद रखने का, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, ठीक है। POP क्या है? द प्रोडक्शन एंड यूज आर रेस्ट्रिक्टेड और एलिमिनेटेड इन द पार्टीज। कंसर्न एसोसिएटेड कौन से है? फाउंड इन द ब्लड ऑफ पीपल एंड एनिमल में फाउंड किया गया PFAS, हाई एक्सपोजर एसोसिएटेड विद हेल्थ रिस्क से एसोसिएटेड, डिफिकल्ट टू कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय, कैप्चर और डिस्ट्रॉय करना बहुत डिफिकल्ट है, इसको PFAS को, पर एंड पॉलीफ्लोरोएलिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अदर वाटर पॉल्यूटेंट इन यूज, एंडोसल्फन क्या है? एंडोसल्फन पे हम जाएंगे। एंड ऑर्गेनोक्लोराइन बायोसाइड यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट एंड माइट्स बाय जनरेटिंग न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट को क्रिएट करके हम क्या कंट्रोल करेंगे? पेस्ट और बायोसाइड्स को यूज करके पेस्ट कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोसल्फन। स्प्रेड ऑन कॉटन, कैश्यू, फ्रूट, टी, पेडी, टोबैको, जो भी मतलब प्लांट है उस पर स्प्रेड किया जाता है, बैन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन, POP में भी बैन है ये एंडोसल्फन। माइक्रोप्लास्टिक क्या है? जो छोटे छोटे प्लास्टिक होते हैं लेस देन 5 mm इन साइज, 5 mm साइज से कम होने वाले प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, वो एंटर वाटर बॉडीज थ्रू एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन से कारण रन ऑफ फ्रॉम कंटेमिनेटेड लैंड और थ्रू म्युनिसिपल वेस्ट वाटर के दौरान क्या होते हैं? वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं माइक्रोप्लास्टिक। अभी देखो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है अ नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक, नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक विच प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल स्ट्रक्चर, फेज एंड मोलिकुलर इंटरेक्शन, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसको। इससे क्या होगा कि हम इन डिटेल इसके केमिकल की स्टडी कर पाएंगे, उसका फेज मोलिकुलर इंटरेक्शन को समझ पाएंगे, तो उसको हम ब्रेक करके हम निकाल सकते हैं वाटर में से, एटमोसफियर में से उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। नैनो प्लास्टिक मतलब उससे भी छोटा प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक से भी नैनोमीटर हमको पता है। नेक्स्ट, अर्थगंगा, अर्थगंगा प्रोजेक्ट क्या है? सेवरल न्यू इनिशिएटिव आर लॉन्च अंडर अर्थगंगा, अर्थगंगा के अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, तो हमारे लिए सिर्फ इनिशिएटिव ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्टिकल ऑफ अर्थगंगा, पहला जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मतलब कि फार्मिंग का कोई कॉस्ट नहीं होगी, केमिकल फ्री फार्मिंग होगा, मोर इनकम पर ड्रॉप होगा, गोबर धन पर फार्मर होगा, मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर, स्लज और वेस्ट वाटर का मोनेटाइजेशन और रीयूज करना, हमने आगे आगे देखा। लिवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज, घाट में हाट जो प्रोग्राम था गंगा रिवर पर, प्रमोशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स गंगा प्रहारीज, पब्लिक पार्टिसिपेशन करना, कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म को प्रमोट करना, बोट टूरिज्म रखना, कम्युनिटी जेटीज, प्रमोशन ऑफ योगा, एडवेंचर टूरिज्म एक्सेट्रा एंड गंगा आरतीज, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनाना, ठीक है, ये सब अर्थगंगा के प्रोजेक्ट है। न्यू इनिशिएटिव लॉन्च अंडर अर्थगंगा के अंदर इनिशिएटिव जालज, माफ करना अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो जालज इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ स्मॉल शॉप और फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर, मतलब कि जलाज होगा गंगा बेसिन में, जो सेटिंग अप करना, क्या करना, स्मॉल शॉप और फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर सेटिंग अप करेंगे, मतलब कि तरती हुई दुकानें होगी उसमें नदी के अंदर। एम टू प्रमोट लिवलीहुड ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा, MOU बिटवीन NMCG एंड सरकार भारती के बीच MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सरकार गंगा ग्राम के अंदर। प्रमोट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस अंडर ब्रांड गंगा के ब्रांड में उसको बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे गंगा को सब जानते हैं, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगी। टूरिज्म रिलेटेड पोर्टल आई एम अवतार क्या है? टूरिज्म रिलेटेड पोर्टल है मिशन गंगा के अंतर्गत। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द चेयरपर्सन होगा डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का। स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 रिलीज किया गया, वर्ल्ड वाटर वीक क्या था? ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक है ना, वो वाले स्टॉकहोम में नहीं है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये अलग है। वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज किया स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। सीवी क्या है अभी? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट नॉट फॉर प्रॉफिट
इंस्टीट्यूट विद अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्टीज इन वाटर गवर्नेंस के अंदर। अदर इनिशिएटिव क्या है वाटर कंजर्वेशन के लिए? एक तो है भारत टैप अंडर द एजिस ऑफ अटल मिशन द रिजुवेनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 अमृत एंड स्वच्छ भारत मिशन 2.0 रिलीज किया गया भारत टैप के अंतर्गत। नेक्स्ट लैंड डिग्रेडेशन COP 50 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। हमने देखा था लैंड डिग्रेडेशन को कट करने के लिए भाई रियो अर्थ समिट में से एक और कन्वेंशन निकला जिसको बोलते हैं क्या UNCCD टू कॉम्बैट कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। क्या है डेजर्टिफिकेशन कन्वेंशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन जर्मनी में हेडक्वार्टर है। ये लीगली बाइंडिंग है, याद रखना लीगली बाइंडिंग है। इंडिया इसका मेंबर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू पुट वर्ल्ड ऑन अ पाथ टू लैंड डिग्रेडेशन एंड कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना। लैंड डिग्रेडेशन प्लस कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना। वन ऑफ द थ्री रियो कन्वेंशन मैंने बताया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की नोडल एजेंसी है इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, मेजर इनिशिएटिव कौन सा है? UNCCD के लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी मेजर इनिशिएटिव है। LDN फंड, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड लॉन्च है UNCCD COP 30 में लॉन्च किया गया था। लेवरेज पब्लिक मनी टू रेज प्राइवेट कैपिटल फॉर सस्टेनेबल लैंड प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक मनी को रेज करना, प्राइवेट कैपिटल को बढ़ाना। लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम, लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है वो UNCCD का है। टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन डेजर्टिफिकेशन मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट, लैंड डिग्रेडेशन डेजर्टिफिकेशन मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट के चैलेंजेस को कम करने के लिए लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम है। इंडिया ने कब होस्ट किया था ये UNCCD COP 40? इंडिया ने होस्ट किया था 2019 में। मेड कमिटमेंट टू रिस्टोर टू 26 मिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाई 2030। 26 मिलियन हेक्टर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए 2030 तक का टारगेट इंडिया ने रखा था। COP 40 की थीम क्या थी? रिस्टोर एंड सस्टेन, रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, ये थीम थी। ठीक है, न्यू कमिटमेंट क्या किया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है GGW क्या है, एन अफ्रीकन लेड मूवमेंट GGW ग्रेट ग्रीन वॉल। हमें पता है अफ्रीकन लेड मूवमेंट है टू ग्रो एन 8000 किलोमीटर बेल्ट ओवर पॉप ट्रीज अक्रॉस द एंटायर विड्थ ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में पूरे में ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने के लिए। इंडियन ग्रीन वॉल कहाँ पर है? इंडियन ग्रीन वॉल पोरबंदर से लेके पानीपत तक जो हमारा वो एरिया है अरावलीज वाला, उसको क्या बोलते हैं? इंडियन ग्रीन वॉल बोलते हैं, याद रखना। ड्रॉट लैंड किसे बोलते हैं? न्यू UNCCD पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है। कौन सा? ड्रॉट लैंड। ड्रॉट लैंड आपको पूछा जाए ड्रॉट लैंड क्या है तो आप ऐसा मत लिख देना जहाँ पर ड्रॉट आया हो उस जमीन को ड्रॉट लैंड बोलते हैं, वो नहीं है। न्यू CCD पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, लाइट पॉल्यूशन क्या है? अबाउट लाइट पॉल्यूशन और फोटो पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन को फोटो पॉल्यूशन भी बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ लाइट पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या है, हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें कवर करेंगे। पहला है ग्लेयर, एक्सेसिव ब्राइटनेस होगी दैट कॉजेस विजुअल डिसकंफर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लेयर। स्काई ग्लो, ये सब ऐसी बात है जो आप अपना मोबाइल का ब्राइटनेस फुल करके भी महसूस कर सकते हो। एक्सेसिव ब्राइटनेस होगा तो आपको ग्लेयर फील होगा। स्काई ग्लो ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई ओवर इनहैबिटेटेड एरियाज, जहां पर हैबिटेशन नहीं है। ठीक है, वहां पर अरे जहां पर ज्यादा हैबिटेशन है वहां पे क्या होगा? स्काई आपको स्काई में ज्यादा डार्कनेस नहीं दिखाई देगा क्योंकि लाइट इतनी जल रही होगी, जिसके कारण लाइट पॉल्यूशन होता है। लाइट ट्रेसपास, लाइट फॉलिंग वेर इट इज नॉट इंटेंडेड और नीडेड, जहां पर लाइट की जरूरत नहीं वहां लाइट फॉल हो रही है तो उसको लाइट ट्रेसपास कर रहे हैं। क्लटर क्या बोलते हैं? ब्राइट कंफ्यूजिंग एंड एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइट सोर्सेस, सबसे ज्यादा एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइट सोर्सेस उसको क्लटर बोलते हैं। हाउ डज लाइट पॉल्यूशन इफेक्ट बर्ड एंड पीपल? बर्ड एंड पीपल पे कैसे लाइट पॉल्यूशन इंपैक्ट करता है? देखिए अभी लाइट इंड्यूस कोलाइजन, लाइट एक दो लाइट एक दूसरे पे पड़ती है, इसे क्या होता है? कंट्रीब्यूशन टू द डेथ ऑफ मिलियन ऑफ बर्ड फ्रॉम कोलाइजन विद बिल्डिंग, बिल्डिंग से टकराने के कारण बहुत सारे बर्ड्स मर जाते हैं। दूसरी बात डिस्ट्रप्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल रिदम चेंज होता है। अल्टर बर्ड बिहेवियर इंक्लूडिंग माइग्रेशन फॉरेजिंग, वो सब चेंज होता है लाइट के कारण। ठीक है, क्योंकि वो तो एनवायरमेंट पर डिपेंड है और हम एनवायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अभी बोला कि भाई ज्यादा पब्लिक जहाँ पर है वहाँ पे क्या होगा? रात को डार्क एंड डार्क दिखने के लिए, आकाश डार्क दिखने की वजह से जगह पे लाइट ज्यादा दिखेगी आकाश में, तो ये क्या करेगा? पक्षियों को जो बर्ड्स है उसके नेचुरल जो उनकी बायोलॉजिकल साइकिल है वो चेंज हो जाएगी, हार्म ह्यूमन हेल्थ हार्म करेगा। डिसओरिएंटेशन ड्यूरिंग फ्लाइट, फ्लाइंग करे हुए अट्रैक्ट एंड डिसओरिएंटेड बर्ड फ्लाइंग एट नाइट, नाइट में जो बर्ड फ्लाइंग करे वो डिसओरिएंट हो जाएंगे। डिस्टर्ब ऑफ इकोसिस्टम, अदर इंपैक्ट क्या है? इंटरफियर विद एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन। एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में लाइट पॉल्यूशन क्या करता है? इंटरफियर करता है। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन, तो हमें पता है सिंगल यूज प्लास्टिक में गवर्नमेंट ने जनवरी से बैन लगा दिया है, पता है। पेनल्टीज फॉर वायोलेशन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आता है क्या? बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक किसमें आता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आपको पेनल्टी होगी। और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन किसमें आता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, याद रखना। सिंगल यूज प्लास्टिक डिफाइन एज अ प्लास्टिक आइटम इंटेंडेड टू बी यूज्ड वंस एज द सेम पर्पस बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रिसाइकल। ऐसा प्लास्टिक की जो सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है, आप मार्केट में जाते हो प्लास्टिक की थैली मांगते हो, मुझे प्लास्टिक दे दो, दूध लेने गए हो प्लास्टिक की थैली मांगी, वो सब क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बार यूज करने के बाद आप उसको क्या करोगे? फेंक दोगे। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन गिवन लीगल फोर्स। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मतलब मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट पाले जी बिस्किट पाले जी प्रोडक्ट वाले ने पाले जी बिस्किट बनाया, कोई बिस्किट बनाया उसके अंदर रैपर रैपिंग किया, तो जो रैपिंग वाला प्लास्टिक है वो जिसने प्रोड्यूस किया है जो प्रोड्यूसर है वही उसको क्या करेगा? रिसाइकल करेगा। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, महाराष्ट्र तमिलनाडु गुजरात अमंग टॉप इंडियन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर। महाराष्ट्र तमिलनाडु और गुजरात प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर में टॉप है। पुनीत सागर अभियान, पुनीत सागर अभियान क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एट साइन MOU साइन किया है नेशनल कैडेट कॉप टू टेकल इश्यू ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन थ्रू PSA एंड टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंजेस प्रोग्राम से, पुनीत सागर अभियान। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 द पावर कंफर्ड बाय द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जनरली ये जो पावर है वो कहां से आता है ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? हमने देखा वो मैनेजमेंट पहले आ गया था वाटर मैनेजमेंट सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, क्या था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वैसे यहाँ पर क्या है? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ई वेस्ट डिफाइंस
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वोल और इन पार्ट ऑफ डिस्कार्डेड एज वेस्ट एंड इट इज नॉट कवर्ड इन ई वेस्ट वोल। ई वेस्ट में नहीं कवर किया गया, किसको कवर नहीं किया गया, देखो वेस्ट बैटरीज को कवर नहीं किया गया, पैकेजिंग प्लास्टिक को नहीं किया गया, माइक्रो एंटरप्राइज को कवर नहीं किया गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट को ई वेस्ट रूल में कवर नहीं किया गया। क्यों कवर नहीं किया गया? क्योंकि इसको कहीं और पे कवर किया गया है। जैसे कि देखो वेस्ट बैटरीज को कवर किया गया बैटरीज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, पैकेजिंग प्लास्टिक को किया गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, माइक्रो एंटरप्राइज को एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में कवर किया गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट को कवर किया गया एटोमेटिक एनर्जी एक्ट 1962 में। ठीक है, तो इसको ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में कवर नहीं किया गया है। ठीक है, अभी देखिए ये टर्म जान लीजिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दिखा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोड्यूसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर मीटिंग रिसाइकलिंग टारगेट टू इंश्योर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वही उसको रिस्टोर करके रिसाइकल करेगा। थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। इंडिया क्या है? थर्ड लार्जेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बाद ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। कंप्यूटर डिवाइसेस फॉलोड बाय टेलीकॉम सेक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है इंडिया में। इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या है? देखिए, केमिकल सब्सटेंसेस दैट परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड बायो एक्युमुलेटेड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा टाइम के लिए ये रहते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ को, अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, अफेक्ट करते हैं, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग रेंज तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, उसको क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। जिसमें कवर किए थे स्टॉकहोम कन्वेंशन में, कवर किए गए। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ग्लोबल लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है स्टॉकहोम कन्वेंशन, इंडिया उसका पार्ट है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को कवर करता है। नोटेबल नॉट रेटिफाइंग स्टेट द यूनाइटेड स्टेट, इसराइल और मलेशिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। रेगुलेशन ऑफ पीओपी रूल्स इन 2080 अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब पीओपी का जो भी मैटर है वो किसमें आएगा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इसमें क्या था स्टॉकहोम कन्वेंशन में? एनएक्सिस थे। एनएक्स ए में क्या था कि पूरा का पूरा पीओपी जितना भी है उसको एलिमिनेट करो। एनएक्स बी में क्या है? रेस्ट्रिक्शन करो, ज्यादा याद नहीं रखना है। एनएक्स ए में था पूरा निकाल दो एनवायरमेंट में से, हाउ? प्रॉपर बैन कर दो, एलिमिनेट करना है। एनएक्स बी में था उसको रेस्ट्रिक्ट करो। एनएक्स सी में था अनइंटेंशनल प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो आपको नहीं पता है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है रोटरडम कन्वेंशन। रोटरडम कन्वेंशन क्या है? प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की बात की गई। रोटरडम कन्वेंशन में किसकी बात की गई? प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट क्या है? अभी प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट है अ मैकेनिज्म अंडर रोटरडम कन्वेंशन फॉर फॉर्मली ऑब्टेनिंग एंड डिसमिनेटिंग द डिसीजन ऑफ इंपोर्टिंग पार्टीज ऑन देर विलिंगनेस टू रिसीव फ्यूचर शिपमेंट ऑफ हैजार्डियस केमिकल। मतलब मान लीजिए मैं इंडिया से यूएसए में कोई शिपमेंट भेज रहा हूँ जिसमें हैजार्डियस केमिकल है, तो मुझे पहले यूएसए की परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या आप इसको इंपोर्ट करने के लिए रेडी हो? अगर यूएसए परमिशन देता है तभी मैं इसको उसको भेज सकता हूँ। ठीक है, लिस्टेड इन एनेक्स 3 ऑफ द कन्वेंशन एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद दिस डिसीजन बाय एक्सपोर्टिंग पार्टीज। इप्रोडायम क्या है? इप्रोडायम अ फंगिसाइड यूज्ड ऑन वाइन फ्रूट ट्री एंड वेजिटेबल। मतलब ऐसी बात क्या है कि ऐसी बातें आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर बाद में पता चलेगा हैजार्डियस वेस्ट था जो हमारी कंट्री में आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए ये कन्वेंशन लाया गया था। अभी इप्रोडायम क्या है? फंगिसाइड यूज्ड ऑन वाइन फ्रूट ट्रीज एंड वेजिटेबल क्लासिफाइड एज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर कॉज करता है एंड टॉक्सिक फॉर रिप्रोडक्शन के लिए टॉक्सिक है। टर्बिफोस क्या है? सॉइल इंसेक्टिसाइड यूज्ड कॉमनली ऑन सोर्गम मेज बीट एंड पोटेटोस फाउंड टू पोज रिस्क टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी। इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्बिफोस। टर्बिफोस का इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। क्या है टर्बिफोस? सॉइल इंसेक्टिसाइड है। रोटरडम कन्वेंशन अभी क्या है? लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। इतनी बड़ी बात की है तो लीगली होगा। ठीक है, पार्टी है इंडिया उसका। अदर की इन्फॉर्मेशन क्या है? कवर पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल हमने देखा। लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीआईसी। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। सब्सिडी बॉडी है केमिकल रिव्यू कमेटी, एस्टैब्लिश की थी इसने केमिकल रिव्यू कमेटी। रिपोर्टर इंडिसेस हो गया। रिपोर्टर इंडिसेस में कुछ है नहीं, कुछ बचा कुछ होगा तो हम बाद में पीडीएफ के जरिए तुमको भेज देंगे।